सबको जय माता जी। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कनिष्ठ नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आ रहा हूं गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट। मामला पूरे देश को मालूम है, गुजरात के क्षत्रियों को मालूम है, हर एक कम्युनिटी को मालूम है। एक पुरुषोत्तम रूपाला जो सांसद का उम्मीदवार है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, उन क्षत्रानियों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना मान सम्मान बचाने के लिए, पूरे देश के मान सम्मान के लिए जौहर कर लिया, गर्दने कटवा ली, उन शक्ति स्वरूपा क्षत्रानियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी अब तक उसका टिकट नहीं काट रही है। यह आपकी और मेरी कमजोरी है, यह बड़ी शर्म की बात है। गुजरात के नहीं, पूरे जम्मू से कन्याकुमारी तक बैठे हुए हर एक क्षत्रिय के लिए, हर एक उस कौम के लिए जिसके घर में बहन बेटी है। क्या केवल क्षत्रिय घर पे बहन बेटी है? क्या तुम्हारी बहन बेटी किसी और की बहन बेटी नहीं है? अगर क्षत्रियों की बहन बेटी भी लाज कोई आँच आती है तो मुझे लगता है हर एक कौम के व्यक्ति को उठना चाहिए, चाहे किसी भी बहन बेटी भी लाज आँच आए। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, मैं जल्द गुजरात आ रहा हूं, रणनीति तय करेंगे। पूरे देश में हम लोग बकायदा ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे, हमारा काम चालू हो गया है। और गुजरात में आके उस गुजरात की धरती पर बकायदा ये तय करके जाएंगे कि आइंदा से ऐसा कोई व्यक्ति हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। हम लोग आपस में मिलकर ये तय करें और बकायदा पूरे देश में ये मैसेज दें। आप सब लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस एक पुनित काम में, ऐसे एक काम में जिसमें हमारी बहन बेटियों की लाज को छेड़ा गया है, हम लोग बकायदा डटकर मुकाबला करें और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, ऐसी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दें। अभी तो मामला केवल गुजरात तक है, ये पूरे देश में मामला जाएगा, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। महिपाल सिंह मखना आपका भाई बोल रहा है, गुजरात आ रहा हूं और आप सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग तय करेंगे, जल्द गुजरात की धरती पर बड़ा एक आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।